विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत की बहुत सारी समस्याएं सीधे तौर पर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन की वजह से है। आपको बता दें कि जयशंकर ने ये बड़ी बात उस समय कही जब हाल में ही अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना साझेदार बताया था। पाकिस्तान जबकि लगातार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाता रहा है। अमेरिका पर जयशंकर का ये तंज जो बाइडेन प्रशासन द्वारा दिए गए इस बयान के बाद आया है, जिसमें कहा गया था वॉशिंगटन इस्लामाबाद के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों को उस तरह से देख रहा है जो दोनों देशों के लिए पारस्परिक हितों के लिए ठीक है। आपको बता दें कि अमेरिका कई बार ये कहता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। तो वहीं अमेरिका के विदेशी विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को पाकिस्तान को अमेरिकी सहयोग करार दिया। पाकिस्तान हमारा एक साझेदार है और हम उसके साझेदार को एक तरीके से आगे बढ़ाने के तरीकों को तलाश करेंगे। हम उन तरीकों की तलाश करेंगे जो हमारे हित और हमारे आपसी हितों के लिए ठीक हो। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर बोलते हुए जयशंकर ने दावा किया है कि सीमा के दोनों ओर कुछ लोगों ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सुचारू बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में अधिक मेहनत की है। विदेश मंत्री ने पूछे, अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री ने दोस्ती का हाथ बढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आखिर क्या हुआ? अपने ही सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उरी, पठानकोट और पुलवामा को रोकने में नाकाम रहने के कारण पाकिस्तान गलत हो गया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय में शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि भारत पर पाकिस्तान की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पाकिस्तान हमेशा भारत के सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध चाहता है। हमने लगातार रचनात्मक जुड़ाव और मुख्य मुद्दा जम्मू कश्मीर सहित अन्य विवादों की बातचीत से हल करने के इच्छुक हैं। तो वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार अभी भी नहीं है और हम केवल इंतजार और देख सकते हैं कि वह शासन के लिए किस रास्ते को चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।